वेलकम नेहा सिने किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का बावर्ची स्टाइल वाइट चिकन मखनी। ये इतनी मज़े की और क्रीमी रेसिपी है। ये मैंने 1 kg चिकन लिया है। इसमें 2 स्पून भर के जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे, ग्रीन चिली डाल देंगे जितनी स्पाइसी आपको चाहिए। ये 2 मीडियम साइज ऑनियन को मैंने बॉईल कर दिया है ताकि उसका स्पाइसीनेस ख़त्म हो जाए। सॉस पैन में सबसे पहले हम ऑयल डाल देंगे, 3 पीस तेज पत्ते के डाल देंगे। इसमें हम कुछ होल स्पाइसेस डालेंगे, ग्रीन कैडमम है, इसमें हमने लौंग डाले हैं और दगरफुल डाले हैं। इसमें हम डाल देंगे जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। इसे अच्छे से स्टर करेंगे ताकि जिंजर एंड गार्लिक की रॉ स्मेल चली जाए। फ्लेम हमारी मीडियम रहेगी। इस ग्रेवी को हमें अच्छे से भूनते रहना है। अब जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले बस उसे अच्छे से भूने। ये हमने 1/2 कप काजू लिया है, इसे मैंने फाइन पेस्ट बना दिया है, अभी वो ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से भूनेंगे। जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए तब तक इसे हमें अच्छे से भूनना है। जितना आप भूनोगे इस रेसिपी में टेस्ट उतना ही इन्हेंस होगा। इसमें हम डाल देंगे 2 to 3 ग्रीन चिली पेस्ट। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो। इतना भूनेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए, देखिए इस तरह से। लेकिन आपको स्पून को चलाते रहना है क्योंकि इसमें हमने काजू का पेस्ट डाले हैं तो वो स्टिक भी हो सकता है। इसमें हम डाल देंगे ऑनियन पेस्ट, जो हमने ऑनियन को बॉईल किए थे उसका हम पेस्ट बना देंगे, उसको भी हमने ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि रॉ ऑनियन की स्मेल चली जाए। इसमें हम डाल देंगे 1 स्पून भर के कोकोनट क्रश। ये बावर्ची की सीक्रेट रेसिपी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाना, बहुत मज़े की रेसिपी है। डिफरेंट टेस्ट है और इतनी क्रीमी और मज़े की रेसिपी है। देखिए 5 to 10 मिनट्स हो गया है इसे भून के। इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डलते हैं इसमें। इसमें हम डाल देंगे 2 स्पून भर के फ्रेश क्रीम के। आप होममेड मलाई भी ले सकते हैं। इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। बहुत ही सिंपल तरीके से इस ग्रेवी को रेडी किया जाता है। इसमें हम डाल देंगे 1 कप भर के मिल्क। मिल्क हम बॉयल वाला यूज़ करेंगे। इसे अच्छे से स्टर कर देंगे। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी पतली चाहिए तो इस टाइम आप 1/2 कप और ऐड कर सकते हैं। पानी का बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं करेंगे। इसमें डाल देंगे सॉल्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी हम चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन में हमने कोई भी मसाला नहीं लगाया है। डायरेक्टली इसे इस तरह से फ्राई कर देंगे, एक गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तब तक हमें फ्राई करना है। चिकन हमारी 100% कुक हो जाएगी जब हम इसे फ्राई करेंगे तो। देखिए ग्रेवी भी हमारी रेडी होने आ गई है। आप देख सकते हैं ग्रेवी में ऑयल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अभी हम लास्ट में तड़का देंगे। इसमें हमने डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के मावा। ये हम डाल रहे हैं चिकन। अभी इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। लास्ट में इसमें तड़का भी डालेंगे जो कि इसका टेस्ट मज़े का हो जाएगा और इसका लुक भी चेंज हो जाएगा। इसे हम स्लो कर देंगे और ढक के रखेंगे ताकि काउंटर टॉप हमारा गंदा नहीं हो। ग्रेवी तो हमारी रेडी हो गई है। चिकन भी इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़े की है। अभी हम चिकन चेक करेंगे क्योंकि हमने फ्राई करते टाइम पे इसे 100% कुक कर दिए थे। ये देखिए चिकन अंदर से कितनी सॉफ्ट और मॉइस्ट है। ग्रेवी भी हमारी रेडी हो गई है और इसकी खुशबू तो इतनी मज़े की है। इसे आप नान के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, राइस के साथ में इसे इंजॉय कर सकते हैं। लास्ट में हमने दे दिया है कोयले का दम और यहाँ पे हम दे रहे हैं तड़का। 2 to 3 टेबलस्पून घी डाल देंगे। उसमें हम स्मॉल ऑनियन को रफली चॉप कर देंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे अ पिंच ऑफ क्यूमिन पाउडर। तड़का डालने से पहले इसे हम निकाल देंगे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। देखिए तड़का हमारा रेडी हो गया है। अभी इसे हम ग्रेवी में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितने सिंपल एंड इजी तरीके से हमने इस ग्रेवी को प्रिपेयर किया है।
अभी हम डाल देंगे इसमें कोरिएंडर, और लास्ट में इसमें हम डाल देंगे फ्रेश क्रीम। क्रीम को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे थोड़ा सा पतला कर दिया है। क्रीम डाल देंगे, ये है इसकी लुक। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसे शेयर कीजिए। अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह है इसकी थिकनेस, और आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी है। टेस्ट तो इतना मज़े का है, इसे आप पराठे के साथ में खाइए, तंदूरी रोटी के साथ खाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। यह है इसकी फाइनल लुक। अभी हम टेस्ट करके बताते हैं, देखिए चिकन हमारी कितनी सॉफ्ट हो गई है और इतनी जूसी है, और ये है हमारी मज़े की क्रीमी मखनी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ये आपके लिए है, बाय।